सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? काफी बढ़ेंगे तो गाइस आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस क्या आज जैसे कि आप अपडेट करने के बाद फ्री फायर मैच को ओपन कर रहे हो तो गाइस यहाँ पर आपका नेटवर्क कनेक्शन इरर बार बार यही मैसेज हो रहा है। और गाइस आपका यहाँ पर फ्री फायर मैच या फ्री फायर जो भी नॉर्मल है तो गाइस आपका यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको सेंड रिपोर्ट और गाइस बार बार आप ट्राई कर रहे हो तो गाइस यहाँ पर आपको नेटवर्क कनेक्शन इरर कुछ टाइप का मैसेज हो रहा है। तो गाइस कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट जैसे सॉल्व करके जैसे कि अपने गेम खेल सकते हो फ्री फायर या फ्री फायर मैच, तो गाइस आज कैसे बताऊंगा। तो गाइस इसलिए इस वीडियो को देखते रहना और गाइस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अगर जानते हैं कि ये जो भी नेटवर्क का इरर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स आउट कैसे सॉल्व करना है। तो चलो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपका भी यहाँ पर जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन इरर आप बार बार ट्राई कर रहे हो तो गाइस आपको यहाँ पर बार बार कुछ तरह जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन इरर का मैसेज शो होता है। तो गाइस आपको क्या करना है, जैसे कि आपने गेम से कुछ तरह बैक आ जाना है और गाइस गेम को कुछ तरह क्लोज कर देना है। गेम को क्लोज करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो भी फ्लाइट मोड आप एयरप्लेन मोड बोल सकते हो तो गाइस उसको एक बार ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर गाइस अपना फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है। और गाइस ध्यान रहे यहाँ पर अपना मोबाइल डाटा या आप वाईफाई यूज करते हो तो गाइस कनेक्ट होना चाहिए। आप मोबाइल डाटा यूज करते हो तो गाइस मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए, या तो गाइस आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो गाइस आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रहे आपका मोबाइल डाटा ऑन या तो गाइस वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। एक बार फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर देना। उसके बाद क्या करना है, अपना फोन का सेटिंग बजाना है। जैसे यहाँ पर मैं अपना फोन का सेटिंग बजा देता हूँ। सेटिंग बजाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना होगा ऐप्स, जैसे यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो या तो गाइस आपको थोड़ा नीचे ऐप्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आपका वहाँ पर मैनेज एप्ली कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मेरा ऐप्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपको ऐप्स का सेटिंग नहीं मिलता है तो गाइस ऊपर आप सर्च कर सकते हो ऐप्स, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको कुछ तरह ऐप्स सर्च कर देना तो गाइस आपको यहाँ पर ऐप्स मिल जाएगा, मैनेज ऐप्स को भी मिल सकता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है फ्री फायर मैक्स। तो गाइस यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स या फ्री फायर जो भी है तो गाइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो ऊपर आप सर्च कर सकते हो। तो गाइस जैसे यहाँ पर मेरा फ्री फायर मैक्स है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, स्टोरेज बैटरी यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको इंटरनेट स्टोरेज भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर मैं स्टोरेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपको स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपको काफी सारा सेटिंग मिलेगा। तो गाइस सबसे नीचे देख सकते हो क्लियर डाटा क्लियर कैचेस मिलेगा, तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस कर देना है। और गाइस कुछ इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक जैसे कि वीपीएन डाउनलोड करना होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और गाइस यहाँ पर आपको सर्च कर देना है वीपीएन। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वीपीएन, वीपीएन सर्च कर देना तो गाइस यहाँ पर आपको काफी सारा वीपीएन मिलेगा। तो गाइस एक वीपीएन को आप जैसे कनेक्ट करके अपना गेम को ओपन करना तो गाइस आपका गेम ओपन हो जाएगा। और गाइस लास्ट सेटिंग ये है कि आपका जो भी पावर बटन साइड का पावर बटन होता है तो गाइस उसको क्लिक करके रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रीस्टार्ट मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा और गाइस फिर से गाइस ओपन होगा। उसके बाद जैसे कि अपना फ्री फायर मैक्स को ओपन करना है तो गाइस आपका फ्री फायर मैक्स ओपन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगा, नेटवर्क कनेक्शन इधर उधर कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगा। तो गाइस आज का इस वीडियो में कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।